नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो पटना सिटी से आ रही है। मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मामला गुरहट्टा इलाके का है। एक महिला के मंकी पॉक्स के लक्षण उसमें पाए गए हैं, जिसकी पुष्टि होना भी बाकी है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और WHO की टीम ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। महिला मरीज का सैंपल ले लिया गया है। मंकी पॉक्स एक संक्रामक बीमारी है जो जानवरों के साथ साथ मनुष्यों में भी पाया जाता है, और इस संक्रमण का प्रमुख लक्षण बुखार, मुंह में सूजन और दाने हैं जो बढ़कर फफोले का रूप ले लेते हैं। इसमें मरीज को 2 से 4 सप्ताह तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीज को बुखार, मांसपेशियों में दर्द के लक्षण पाए जाते हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जांच का यह विषय है। फिलहाल संदिग्ध मरीज के बारे में पता चलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। एक महिला मरीज है जिसमें मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। एक संक्रामक बीमारी है, जानवरों में भी होती है, और इसको लेकर अब WHO और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई है। ऐसा कुछ लक्षण उनमें नहीं है, क्योंकि उनको फीवर था तो हमने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर अशोक कुमार गोट्टा में, तो उन्होंने देख के बाद हाथ में उनको कुछ जुलपुटी ऐसा हुआ था तो उनको शक लगता है। तो ऐसा है कि अभी आजकल मंकी पॉक्स चल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो इसी बात पे उन्होंने अपने HOD से बात की थी, इस तरह की बात है। तो ये वो बात वहाँ से हेल्थ सेक्रेटरी पास चली गई, वहाँ से उनकी टीम आई, जाँच करके गई है और सैंपल लेकर के गई है। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच पटना में स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी सिविल सर्जन और वरीय चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंकी पॉक्स को लेकर जरूरी एहतियाती सुझाव दिए गए। सूबे में किसी भी व्यक्ति में मंकी पॉक्स का लक्षण पाए जाने पर स्वैब, यूरिन और ब्लड जाँच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। ये सैंपल पुणे के वायरोलॉजी लैब में भेजे जाएंगे। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी रजनीश ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की। मंकी पॉक्स को लेकर राज्य सरकार अलर्ट पे है, क्या कुछ वस्तुस्थिति है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। सर, किस तरीके से अलर्ट है और किस तरीके से एहतियात बरते जा रहे हैं? पूरी सावधानी बरती जा रही है। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, जानकारी के बाद से विभाग ने सतर्कता बरतना शुरू किया। पिछले शनिवार को WHO ने भी इस संबंध में अलर्ट किया, और आज ही हमने विभाग के मुख्यालय स्तर के सभी उच्च अधिकारियों, अपर मुख्य सचिव सहित सभी सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट्स की मीटिंग की, और उसमें जो आवश्यक गाइडलाइन है इस मंकी पॉक्स से संबंधित, वो सभी आवश्यक गाइडलाइंस सभी लोगों को दिए गए। क्या सावधानी रखनी है, यदि किसी मरीज के बारे में किसी चिकित्सक के द्वारा संभावना व्यक्त की जाती है तो उसका कैसे जांच कराना है, उस सैंपल को कैसे कलेक्ट करना, कहां भेजना, इसमें मुख्य रूप से स्वैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट ये होता है। फिर उन सैंपल्स को हमको वायरोलॉजी लैब पुणे में भेजना होगा, तो उसको भेजने के लिए जो व्यवस्था सिस्टम बनाना है वो बना दिया गया है। ये सारी जानकारी दी गई है और सभी जिला के सिविल सर्जन को हमने निर्देशित किया है कि प्रखंड स्तर के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनको भी सारे चीजों को शेयर कर दें, ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध होती है तो तुरंत कार्रवाई हो सके। क्योंकि हमारे राज्य में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा नहीं जहां से विदेश से कोई जहाज आता हो, इसलिए अभी ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं। बहुत धन्यवाद। तो आज उच्च स्तरीय बैठक हुई है स्वास्थ्य विभाग की, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद स्थिति पे नजर रखे हुए हैं, और जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसको लेकर तमाम नीचे स्तर तक बातों को रखा गया है और अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और हर एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश जी, मीडिया पटना।